और आज पूरे देश में एससी एसटी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला है। भारत बंद का असर जहानाबाद में सुबह से ही देखने को लगा है और जहानाबाद में विभिन्न मुख्य मार्ग के साथ साथ पटना गया राष्ट्रीय मार्ग के ऊंचा मोड़ के समीप काफी संख्या में बंद समर्थक सड़क को जाम कर दिया, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। आने जाने वालों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बंद समर्थकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है इसका हम लोग विरोध जता रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि एक अध्यादेश लाकर इस मुद्दे को खारिज करे। मामला की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति में क्रिमिनल नियम लागू करने संबंधी जजमेंट दिया था, जिसके विरोध में आज हम लोग जहानाबाद में ऊंचा मोड़ को जाम कर रखा है। यह बंदी पूरे भारत में है और भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस जजमेंट को खारिज करने के लिए केंद्र में अध्यादेश लाएं, और नहीं तो दलित अब एकजुट हो चुका है और इसके विरोध में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या 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 बंद किए हैं? पूरा प्रतिष्ठान बंद है, पूरा चक्का जाम है। कहाँ पे उल्टा मोड़ पर है और विभिन्न जगहों पर लोगों ने बंद किया है।